हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का एक्सीलेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसा की उपयोगिता। वसा की उपयोगिता स्टूडेंट, ये वसा और मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग उसको भी देख लीजिए। देखिए वसा की उपयोगिता, देखिए, अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोगी। वसा के अतिरिक्त ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ केवल उसी समय ऊर्जा प्रदान करते हैं जब उन्हें भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अन्य ऊर्जादायक पदार्थ केवल सीमित मात्रा में ही शरीर में संचित रहते हैं, लेकिन वसा पर्याप्त मात्रा में चर्बी के रूप में ही शरीर में संचित रहती हैं। अतः ये शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अस्थायी स्रोत है। हृदय की मांसपेशियों को वसा से ही आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब स्टूडेंट आगे आइए, देखते हैं क्या है। शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप संचित, शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप संचित, यहाँ देखिए, आहार द्वारा ग्रहण की गई वसा शरीर में वसा उत्कों के रूप में एकत्र हो जाती है। यह वसा शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जिस समय शरीर में अन्य ऊर्जा उत्पादक आहार पदार्थ उपस्थित नहीं होते, उस समय शरीर में संचित वसा ही शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अब स्टूडेंट आइए आगे देखते हैं। शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक, ये देखिए, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक। त्वचा के नीचे संचित वसा ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती हैं। इस प्रकार यह बाहरी वातावरण की ऊष्मा तथा ठंडक से शरीर की रक्षा करती हैं। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं, कुछ विटामिन प्राप्त होने का आधार क्या है। कुछ विटामिन जैसे क्या, ए डी ई के आदि, केवल वसा में ही घुलनशील होते हैं। अतः ये विटामिन वसा में घुलकर शरीर के सभी भागों में तंतुओं तक पहुँचते हैं और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यदि शरीर में वसा की समुचित मात्रा ना हो तो शरीर पूर्वोक्त विटामिन का अवशोषण नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, अगर शरीर में मतलब वसा ना हो या पूर्ण विटामिन नहीं होगा तो वह अवशोषण नहीं कर पाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा। शरीर के कोमल अंगों की क्या, सुरक्षा। देखिए, शरीर के कुछ कोमल अंगों जैसे क्या, हृदय, फेफड़े, गुर्दों के चारों ओर वसा एकत्र हो जाती है जो कि आघातों आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। स्टूडेंट आ गया, ये देखते हैं, पाचन क्रियाशील में सहायक। वसा से हमारे शरीर को अति तथा आमाशय चिकने बने रहते हैं। वसा आंतों की त्वरित गति को सुचारू बनाए रखने में सहायक होती है। अब यहाँ देखिए, आवश्यक वसी अम्लों की प्राप्ति। आहार के माध्यम से प्राप्त वसा से शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। ये वसीय अम्ल शरीर की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। यह मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं की कोशिकाओं में फास्फोलिपिड के रूप में रहकर तंत्रिकाओं के आवरण को दृढ़ता प्रदान करती है। स्टूडेंट आइए कि देखते हैं, वसा के स्रोत। वसा के स्रोत को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए, पहला पहला देखिए, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली वसा, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, पिस्ता, मूंगफली, काजू, नारियल, गेहूं, तिल, सरसों, बिनौला, तीसी आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। अब ये देखिए, नंबर दूसरा, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा, ये देखिए, मांस, अंडा, मछली, मस्तिष्क, यकृत और मछलियों के यकृत से निकला तेल और पशुओं की चर्बी आदि वसा के मुख्य स्रोत हैं। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं, वसा की कमी का प्रभाव, कि अगर वसा ना रहे शरीर में तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि आहार में वसा की समुचित मात्रा ना ली जाए तो शरीर पर अनेक प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जैसे वसा की कमी से शरीर में उन विटामिनों की कमी हो जाती है जो वसा में घुलनशील हैं। वसा की
कमी के कारण बच्चों तथा किशोरों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी से त्वचा भी खुरदुरी हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से ग्रस्त हो जाता है। वसा की कमी होने पर शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति सुस्त रहने लगता है। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो हो गया वसा की कमी का प्रभाव। अब अगर भोजन में वसा की अधिकता का प्रभाव देखिए, वसा की अधिकता का प्रभाव क्या होगा? वसा की अधिकता के शरीर पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अधिक मात्रा में वसा ग्रहण करने पर वसा की एक परत रक्त की धमनियों में जम जाती है। इस परत के जमने से रक्त की धमनियां संकरी होने लगती हैं, जिससे रक्त का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। वसा की अधिकता से, यहाँ देखिए स्टूडेंट, वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय आक्रमण तथा पक्षाघात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकता से अधिक वसा युक्त आहार ग्रहण करने से यह वसा चर्बी के रूप में चारों ओर एकत्र होने लगती है, जिससे हृदय की गति में अवरोध पहुंचता है। इसके अतिरिक्त वसा की अधिकता के परिणाम स्वरूप मोटापा बढ़ने लगता है, जिससे शरीर का वजन बढ़ता है। परिणाम स्वरूप गुर्दे पर अधिक दबाव पड़ता है तथा गुर्दे कमजोर होने लगते हैं, तथा जब आहार में वसा की मात्रा अधिक हो पाचन क्रिया पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। ये स्टूडेंट देखिए, वसा की अधिकता का प्रभाव हो गया। स्टूडेंट देखिए, दैनिक आवश्यकता, वसा की दैनिक आवश्यकता, ये देखिए दैनिक आवश्यकता, वसा की दैनिक आवश्यकता कुल ऊर्जा का 25 से 30% या 40 से 60 ग्राम होती है। समान स्थिति में गर्भवती एवं धात्री माता को 10 से 20%, किशोरों को 15 से 20% तथा शिशुओं को 25 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति तेल, घी, मक्खन, अंडा तथा तले हुए भोज पदार्थों से की जाती है। स्टूडेंट ये हो गया आपका वसा, यहाँ पे वसा आपका कंप्लीट हो गया। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और आप लोग उसका आंसर बताइएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।